भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश में संचार की सशक्त आधारभूत संरचना एवं निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुमानित है कि आज भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 45 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की जियोफिजिकल तथा जलवायु विविधताओं को ध्यान में रखते हुए इस विशाल देश के हर हिस्से को ब्रॉडबैंड से जोड़ना आवश्यक हो गया है। आज के दौर में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जो आवाज, डेटा और वीडियो का सम्मिश्रण होता है, यह बहुत सी संभावनाओं को जन्म देता है। इसके लिए यह उपग्रह एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। GSAT-11 स्पेसक्राफ्ट इज एन एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोवाइडिंग हाई थ्रूपुट पेलोड्स इन KU GSAT-11 बैंड्स। इट इज द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट सैटेलाइट एवर बिल्ट बाय इसरो। दिस सैटेलाइट विल मीट मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू रूरल एंड इनएक्सेसिबल ग्राम पंचायत्स under BharatNet project, which is part of the Digital India program initiative of Government of India. आज भारत स्मार्ट गांवों और शहरों के विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। GSAT-11 जैसा शक्तिशाली संचार उपग्रह कार्यान्वित होने पर इस संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। GSAT-11 weighing about 5,854 kg is a multi-spot beam satellite providing coverage of Indian mainland and nearby islands. GSAT-11 is the heaviest satellite built by ISRO with the largest solar panels and payload panels. This satellite is also configured with maximum communication antenna, 5 numbers, in INSAT GSAT family of satellites. यह लगभग 15 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। GSAT-11 घरेलू, व्यावसायिक और सरकारी संस्थानों की ब्रॉडबैंड, दूरसंचार और मल्टीमीडिया आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। साथ ही इन फ्लाइट कनेक्टिविटी जैसे नए अनुप्रयोगों को भी उपलब्ध कराएगा। यह भारत का पहला हाई थ्रूपुट उपग्रह है, जिसे इसरो की नई I-6 के बस पर विकसित किया गया है। GSAT-11 उपग्रह की बस बहुउपयोगी है, जिसके अलग अलग भाग जैसे मेन फ्रेम सिस्टम्स, पेलोड सिस्टम्स और प्रोपल्शन सिस्टम्स उच्च स्तर की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तथा असेंबली और चेकआउट ऑपरेशंस को आसान बनाते हैं। यह बस 6 टन तक वजन वहन करने की क्षमता रखती है। साथ ही इसमें 20 किलोवाट तक बिजली उत्पन्न करने और संभालने की क्षमता है। The payload has around 600 subsystems. Nearly 90% of the hardware has been realized in India with extensive participation of the industry. Most of the hardware is miniaturized using advanced MMIC technologies. For the first time, multi-port amplifier is used for power sharing across the beams under varying service demands. Multi-spot beam antenna coverage se less GSAT-11 upagrah ko 74 degree purv mein sthapit kiya jayega. यह KU बैंड में 32 यूजर स्पॉट बीम उत्पन्न करेगा, जिसमें दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में 16-16 बीम होंगे, जिससे भारतीय मुख्य भूभाग तथा द्वीपों में संचार सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा यह उपग्रह का बैंड में दोनों पोलराइजेशन में 4-4 अर्थात 8 हब बीम्स भी उत्पन्न करेगा। इसमें 4 ग्राउंड गेटवे यानी हब्स हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से उपग्रह को उपयोगकर्ताओं से जोड़ेगा। यह सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सभी हब स्टेशन को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से एक दूसरे से जोड़े जाएंगे। द सैटेलाइट विल प्रोवाइड ए थ्रूपुट ऑफ 16 गीगाबिट्स पर सेकेंड थ्रू 32 नैरो यूजर बीम्स फॉर सपोर्टिंग हाई डेटा रेट सर्विसेस अक्रॉस द कंट्री। As the high throughput technology and use of Ka band is being introduced in the country for the first time through indigenous satellites, the associated ground hardware are being established by ISRO. The satellite has completed the launch campaign activities and is ready for launch onboard Ariane 5 launch vehicle. GSAT-11 upagraha apni nirdharit kaksha mein sthapit hone ke liye tayyar hai.
इसे यूरोपियन एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा फ्रेंच गियाना स्थित कुरु से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह एरियन 5 से प्रारंभ के जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचेगा और फिर इसके प्रोपल्शन सिस्टम को क्रमिक चरणों में फायरिंग कर अंतिम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। जब यह विशालकाय परिंदा अंतरिक्ष में अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित होकर कार्यान्वित हो जाएगा, तब भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं एक वास्तविकता बन जाएगी। शहरी एवं ग्रामीण भारत के बीच जो डिजिटल दूरी है, उसे मिटाने में यह संचार उपग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।